न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हेलो एरिन्स, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हेलो एरिन्स। अच्छा सब गोटे इम्पोर्टाट गोटे क्वेश्चन ये आसे कि वाय हेलो एरिन्स, वाय पूरा ध्यान से शुण मुझे जहाँ कौन बढ़िया इम्पोर्टाट क्वेश्चन लंग क्वेश्चन एटा, वाय हेलो एरिन्स आर भेरी भेरी लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये क्वेश्चन सीबीएसई हो बा सीएचएस हो पांच मार्क का क्वेश्चन ये पढ़ी पारे आउ इम्पोर्टाट वेरी वेरी इम्पोर्टाट क्वेश्चन टा शुण मुझे कहीदे क्वेश्चन है वाय हेलो एरिन्स आर वेरी लेस रिएक्टिव, वेरी लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तेरे को सर हेलो अल्केन रे तो होतला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एसएन वन एसएन टू हमें करोतले त एठी कोनटा प्रॉब्लम हे गला, एठी कोन पई हबनी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ए केस रे कोन पई हबनी, हेलो एरिन केस रे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कोन पई हुए नाही बा जदी भी हुए बहुत लेस रिएक्टिव एते इजीली जेंति मन इच्छा रिएक्शन हेउतला हेलो अल्केन केस रे सेते इजीली माने एमानकर जेते गोडा हेलो एरिन मानकर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करार टेंडेंसी नहीं तांगर इच्छा ही नहीं तुम पढ़े हेलो एरिन्स मैंने कौ टाइप रिएक्शन देखा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हेलो अल्केन रो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन आसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किंतु हेलो एरिन जो आसे से कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन आसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मुझे लगे सब जिन अलरेडी जे एठी हमर मेन क्वेश्चन होची व्हाई हेलो एरिन्स आर वेरी लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पई हेलो एरिन्स मैंने लेस रिएक्टिव कौन पई, सिंपल क्वेश्चन गोटे 5 मार्क रो लॉन्ग क्वेश्चन आसे वेरी वेरी इंपोर्टेंट ध्यान दे शुण या तो लॉन्ग क्वेश्चन पड़ो ना एथ्रू वेरियस शॉर्ट क्वेश्चन भी आसी पारे जोटा कि फंडामेंटल कॉन्सेप्चुअल जिनस, तो ये कॉन्सेप्चुअल जिनस बाबा बहुत ध्यान से बुझ थे बुझ आराम मन देव आ बुझी ना सब क्वेश्चन देखने डर पूरा ध्यान से देख मुझे जो मैंने सीबीएसई पिला देखु ये बहुत इंपोर्टेंट ये एग्जाम प्राय आसे, तो ये आम क्वेश्चन 5 मार्क क्वेश्चन आसे। देख प्रथम रिजन जो आसे इत प्रथम रिजन आसे रेजोनेंस, फर्स्ट रिजन जो आसे दैट इज आसे रेजोनेंस, तुम्हें कह रेजोनेंस कौन है हेलो एरिन केस रे रेजोनेंस हम ये टाइप रो ये है हेलो एरिन मार्क करो पूरा ध्यान से मार्क कर जो जिन कही पूरा ध्यान से मार्क करी करी जीव ये है हेलो एरिन ये टाइप ये हेलो एरिन केस रे कौन हुए ना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनो, तो तुम समस्त जाच ऑलरेडी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनवा मुझे शिखे दी बुझे जो मैंने न शिखी आउट चेस्टा करो बाबा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर समस्त बनवा आसा दरकार बुझे कि ऑर्गेनिक तुम सेकेंड इयर पढ़ु मतलब तुमको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनवा आसा दरकार बुझे ना ये बाउंड तुम तेणु जो मानक भी एपर्तंत रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनई आसुना मुझे बारंबार कहूँ बाबा तुम गोड़तले पड़ी कौच तुम प्राक्टिस कर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो न बन पार्च तुम बहुत पक्ष रही गल देखो जेकोसी पारे प्राक्ट कर बुझेगा बिना प्राक्ट किसी ना देखो ध्यान से देख तो ये हेलो एरिन लोन पेयर ये डोनेट कर तो ये बनटा ये पोलाराइज हे रेजोनेंस चलो तो बर्तमान रेजोनेंस चलला ये ये हेलोजेन बर्तमान हेलोजेन जो लोन पेयर देदेला भितर डबल बंड पलैस हेलोजेन पाखे डेफिसीयसी अफ इलेक्ट्रोन पॉजिटिव चार्ज ये कार्बन पाई बंड ये भांगीदा या नेगेटिव चार्ज ये तो ये अच्छे बर्तमान ये माइनस ये भांग ये पाई बंडा पाख कार्बन पाख भांग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो मैंने बनैया शिखी थे सी आराम जापारे जो मैंने टी डाउट थी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर केमती बनुक असुविधा होती है मुझे ये कथ कह बाबा तुम टे प्राक्ट कर तो बर्तमान ये माइनस टाइप भांग डबल बंडा एपटू भांग प्राक्ट कले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तुम आराम तुमको आसो किसी नहीं गोटे दुई घंटार पाठ मात्र रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दुई घंटार पाठ मात्र प्राक्ट कर गोटे दिन दुई घंटा आराम दिन तुमको आस तुम आज जाए दुई घंटा केन से तुमको भय लगुच थे दुई घंटा देखिए देख तापर मत न आसपुर मत कह अलरेडी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनवा भिड भी थे अच्छी बुझे कि फास्ट बोलते सेकेंड कि थर्ड भिड मत थी प्ले लिस्ट देख से तुम मिलजि से तुम चाहिए भी प्राक्ट कर देख तो ये है हेलो एरिन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये है हेलो एरिन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भलसे मार्क कर
जो हालो एरिन एटी अच्छी ये हालो एरिन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को तुम मार्क करो एथि कोन छि ना हालोजन लोन पेयर डोनेट कला लोन पेयर डोनेट करा द्वारा जो कार्बन आ हालोजन थिला एटी डबल बॉन्ड डेवलप हो गेला सेमते एठी डबल बॉन्ड डेवलप हो डबल बॉन्ड डेवलप हो तापर पुनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फेल सिंगल बॉन्ड ता माने रेजोनेंस को कोन हो छि ना बेले बेले डबल बॉन्ड कैरेक्टर पळे होसि का भितरे ना ये कार्बन आ हालोजन भितरे डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो का भितरे ना कार्बन हालोजन भितरे तुम कहो हालो आल्केन जत बेले आमे हेतिले एथरे कार्बन आ हालोजन भितरे कोन थिला सिंगल बॉन्ड एठी किंतु कोन हो छि ना सिंगल बॉन्ड ता हम भाबुतले अछि बोली किंतु एक्चुअली ड्यू टू रेजोनेंस कोन हो ना डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो ये कौन हम ना ड्यू टू रेजोनेंस डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप है डबल बॉन्ड कैरेक्टर माने पूरा तो डबल नुह कि बेले बेले डबल बॉन्ड आस ड्यू टू रेजोनेंस डबल बॉन्ड डेवलप हेले कौन हम ना भाई सिंगल बॉन्ड को भांगिया रे जेतिकी तुम एनर्जी खर्च करूल डबल बॉन्ड को भांगिया रे तुमको अधिका एनर्जी खर्च करा पड़ो सिंगल बॉन्ड को भांगिया रे तुमको जेतिकी एनर्जी खर्च करा पड़ूला डबल बॉन्ड को भांगिया रे तुमको अधिका एनर्जी खर्च करा पड़ो कारण जोड़े बॉन्ड हो गला तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इनक्रीज हो ता मतलब एठी कार्बन हैलोजन सिंगल बॉन्ड भांगिया पे जेतिकी एनर्जी खर्च होतला हैलोइरिन केस रे तुमको अधिका एनर्जी खर्च करा पड़ो यदि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अधिका गला तो बॉन्ड तो इजिली भांगिबनी जदि बॉन्ड इजिली न भांगिला तले आगो को रिएक्शन हबो नाही भाई सेना ये कार्बन हैलोजन बॉन्ड भांगिले मु आनी कि न्यूक्लियोफाइल टा को सब्स्टिट्यूट करबी यदि कार्बन हैलोजन बॉन्ड ही न भांगिबो मु न्यूक्लियोफाइल केम सब्स्टिट्यूट करबी बुझि पर्दना बुझि पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो असे एटी कोन होय ना ये कार्बन हैलोजन बॉन्ड टा ब्रेक कर जाय ता परे ये हैलोजन हटिबो ता बदले न्यूक्लियोफाइल लागिबो बर्तमान हैलोरिन केस रे ये हैलोजन डबल बॉन्ड बना देला डबल बॉन्ड बने देला रिंग से तो देले बॉन्ड भांगी होनी बॉन्ड न भांगले न्यूक्लियोफाइल थोड़ी सब सब्स्टिट्यूट हो पारे तो ये हेला प्रथम रीजन तो फर्स्ट रीजन है रेजोनेंस रेजोनेंस को कौन होची ना कार्बन हैलोजन भितर डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप होची डबल बॉन्ड कैरेक्टर जो डेवलप होला ता जो को कोना लेना बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इंक्रीज हो गला बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इंक्रीज हेले कार्बन हैलोजन बॉन्ड क्लीवेज टा कष्ट हो जीवो भाई जी हबनी यदि कार्बन हैलोजन बॉन्ड रो क्लीवेज ही न हो तो न्यूक्लियोफाइल आसी सब्स्टिट्यूट कर परिवो तो ये थिला हमरो फर्स्ट रीजन क्लियर तो ये तो गला रेजोनेंस सेकंड रीजन कौन आसे सेकंड रीजन हमरा आसे डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम तब को हाइब्रिडाइजेशन में कौन असुविधा हो गला देखो जो गोटे आम हालो आल्केन नबा हालो आल्केन रे ए जो कार्बन एटा गोटे एसपी थ्री हाइब्रिडाइज कार्बन को टाइप कार्बन एसपी थ्री हाइब्रिडाइज कार्बन कि जदि गोटे आम हालो एरिन नौचे हालो एरिन केस रे ए जो हालोजन आसो हालोजन जो कार्बन सहित लगी दैट इज ए एसपी टू हाइब्रिडाइज कार्बन अलरेडी यू जिन पढ़ी क्लासिफिकेशन बेले तो एथेर बेस किसी तुम डाउट नथे मुझे जानी तो ये जो हालो आल्केन आसला हालो आल्केन जो कार्बन सहित हालोजन लगी दैट इज हाला एसपी थ्री हाइब्रिडाइज कार्बन हालो एरिन जो कार्बन सहित हालोजन लगी दैट इज हाला एसपी टू हाइब्रिडाइज कार्बन देख सही पूरा इंपोर्टेंट जिन मार्क करो मार्क करो सिंपल आउ इंपोर्टेंट जिन थे बुझीदे हेगा जब न बुझी पार सब बात देव मत कह एसपी थ्री हाइब्रिडाइज कार्बन एसपी थ्री हाइब्रिड कार्बन मतलब हूँ कौन ना से जो बॉन्ड बनला यहाँ गोटे एसपी थ्री हाइब्रिड ऑर्बिटल जा बॉन्ड बनला ए एसपी थ्री हाइब्रिड ऑर्बिटल कौ कौ ऑर्बिटल मिशंट ना आज्ञा गोटे अच्छे एस ऑर्बिटल तीन टा अच्छी पी ऑर्बिटल गोटे अच्छी एस ऑर्बिटल आनिटा अच्छी कौन पी ऑर्बिटल मैंने टोटाल केतटा ऑर्बिटल मिसिक हाइब्रिड ऑर्बिटल बनी ना आज्ञा गोटे एस ऑर्बिटल तीन टा पी ऑर्बिटल टोटाल चारिटा ऑर्बिटल चारिटा ऑर्बिटल मिसिक ये एसपी थ्री हाइब्रिड ऑर्बिटल बनी चारिटा हाइब्रिड ऑर्बिटल मिसिक ये एसपी थ्री चारिटा कौन ऑर्बिटल मिसिक हाइब्रिड ऑर्बिटल बनी तो जो चारिटा ऑर्बिटल मिसले गोटे एस तीन टा पी चारिटा गोटे है एस ताले एस रो कैरेक्टरिस्टिक केते आसीबो 25% तो मुझे लिखिपर एथेर 25% एस कैरेक्टर अच्छे 25% कौन अच्छे एस कैरेक्टर
ସିମ୍ପଲ ଜିନିଷ ମାର୍କ କର, ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ଏସ୍ ଅର୍ବିଟାଲ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ତିନିଟା ହେଲା ପି ଅର୍ବିଟାଲ, ଟୋଟାଲ ମିଶିକି କେତେ, ଚାରିଟା ଅର୍ବିଟାଲ, ଚାରିଟା ଅର୍ବିଟାଲରୁ ଗୋଟେ ହେଲା ଏସ୍, ତାମାନେ ଚାରି ଭାଗରୁ ଭାଗେ ହେଲା ଏସ୍, ଚାରି ଭାଗରୁ ଭାଗେ ମାନେ କେତେ 25%, ତ ଏସ୍ପି ଥ୍ରୀ ଯେଉଁ କାର୍ବନ ଅଛି, ଏସ୍ପି ଥ୍ରୀ କାର୍ବନର 25% ହେଉଛି କ'ଣ ଏସ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର। ଏଠି ମାର୍କ କର ଏସ୍ପି ଟୁ, ଏସ୍ପି ଟୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଏସ୍ ଦୁଇଟା ପି, ତା ମାନେ ତିନିଟା ଅର୍ବିଟାଲ ଟୋଟାଲ, ତିନିଟା ଅର୍ବିଟାଲରୁ ଗୋଟେ ଅର୍ବିଟାଲ ଜାଣ କି ଏସ୍, ତା ମାନେ ତିନି ଭାଗରୁ ଭାଗେ ହେଲା ଏସ୍, ତା ମାନେ ଏଥିରେ 33.3% ଆସିବ ଏସ୍ ଏ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, 33.3% ଆସିବ କ'ଣ ଏସ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର। ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା, ଯେଉଁମାନେ ରିଆକ୍ସନ ମେକାନିଜିମ୍ ପଢ଼ିଥିବେ ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ରିଆକ୍ସନ ମେକାନିଜିମ୍ ଫାଷ୍ଟ ଇୟର୍ ପଢ଼ିନଥିବେ ବା ମନେ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜିନିଷ ଜଣାନଥିବେ, ତଥାପି ମୁଁ କହିଦେଉଛୁ। ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଏସ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଯେତେବେଳେ ଇନକ୍ରିଜ୍ ହୁଏ, ସେ କାର୍ବନର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନେଗେଟିଭିଟି ଇନକ୍ରିଜ୍ ହୁଏ, ସେ କାର୍ବନର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନେଗେଟିଭିଟି ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେବ। ତା ମତଲବ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ବନ, ଏଇ ଯେଉଁ ଏସ୍ପି ଥ୍ରୀ ହାଇବ୍ରିଡାଇଜ୍ କାର୍ବନ, ଏ କାର୍ବନର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନେଗେଟିଭିଟି ଯାହା, ଇଏ ଏସ୍ପି ଟୁ ହାଇବ୍ରିଡାଇଜ୍ କାର୍ବନର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନେଗେଟିଭିଟି ଅଧିକା, କାହିଁକି ନା ଏଥିରେ 25% ଏସ୍ ଅଛି, ଏଥିରେ 33% ଏସ୍। ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଏସ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଯେତେବେଳେ ଇନକ୍ରିଜ୍ ହୁଏ, ତ ସେ ଅନୁସାରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନେଗେଟିଭିଟି ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେବ। ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଏସ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଇନକ୍ରିଜେସ୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନେଗେଟିଭିଟି ଇନକ୍ରିଜେସ୍। ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଏସ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଯଦି ବଢ଼ିବ, ତ ସେ ଅନୁସାରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନେଗେଟିଭିଟିଟା ବି କ'ଣ ହେବ, ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେବ। ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଏସ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଇନକ୍ରିଜେସ୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନେଗେଟିଭିଟି ଇନକ୍ରିଜ, ସିମ୍ପଲ ଜିନିଷ। ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନେଗେଟିଭିଟି ଏ କାର୍ବନର ଅଧିକ ଆସିବ, ଏ ଯେଉଁ କାର୍ବନ ୟାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନେଗେଟିଭିଟି ଯାହା, ମାନେ ହାଲୋ ଆଲକେନ୍ର ଯେଉଁ କାର୍ବନ ଅଛି, ହାଲୋ ଆଲକେନ୍ର ଯେଉଁ କାର୍ବନ ତାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନେଗେଟିଭିଟି ଯାହା, ହାଲୋ ଏରିନ୍ର ଯେଉଁ କାର୍ବନ, ସେ କାର୍ବନର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନେଗେଟିଭିଟି ଅଧିକା। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନେଗେଟିଭିଟି ମାନେ କ'ଣ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନେଗେଟିଭିଟି ମତଲବ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଂ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନେଗେଟିଭିଟି ମତଲବ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଂ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି, ନିଜ ଆଡ଼କୁ କେତେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ସେ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ କରିପାରୁଛି। ତେଣୁ ୟାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନେଗେଟିଭିଟି ଯେତିକି, ଏ କାର୍ବନର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନେଗେଟିଭିଟି ଅଧିକା, ତ ଇଏ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ବେଶୀ କ'ଣ କରିବ ନା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ କରିବ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ମତଲବ ଏଇ ଯେଉଁ ବଣ୍ଡେଡ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଥିଲା, ଇଏ ସେ ବଣ୍ଡେଡ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ଟାକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ କରିବ, ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ କରିବ, ତା ସହିତ ହାଲୋଜେନ୍ ବି ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ହେଇପାରିବ, କାରଣ ହାଲୋଜେନ୍ ବି ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ଦେଇଛି, ହାଲୋଜେନ୍ର ବି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ କରିଦେଲା, ତା ହାଲୋଜେନ୍ଟା ଟିକେ ତା ପାଖକୁ ପଳେଇବ, ପାଖକୁ ପଳେଇଲେ ବଣ୍ଡ ଲେନ୍ଥ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା, ଡିକ୍ରିଜ୍ ହେଇଯିବ, ବଣ୍ଡ ଲେନ୍ଥ ଡିକ୍ରିଜ୍ ହେଇଯିବ, ବଣ୍ଡ ଲେନ୍ଥ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଡିକ୍ରିଜ୍ ହେଇଯିବ। ବୁଝୁଛି ନା ବୁଝୁନି, ଦେଖ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କ'ଣ କହିଲେ ନା ଭାଇ, ଇଏ ହେଲା ହାଲୋ ଆଲକେନ୍, ଇଏ ହେଲା ହାଲୋ ଏରିନ୍, ହାଲୋ ଆଲକେନ୍ର ଏସ୍ପି ଥ୍ରୀ ହାଇବ୍ରିଡାଇଜ୍ କାର୍ବନ ସହିତ ହାଲୋଜେନ୍ ଲାଗିଛି, ହାଲୋ ଏରିନ୍ର ଏସ୍ପି ଟୁ ହାଇବ୍ରିଡାଇଜ୍ କାର୍ବନ ସହିତ ହାଲୋଜେନ୍ ଲାଗିଛି। ଏସ୍ପି ଥ୍ରୀ ହାଇବ୍ରିଡାଇଜ୍ କାର୍ବନର ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଏସ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଯେତିକି, ଏସ୍ପି ଟୁ ହାଇବ୍ରିଡାଇଜ୍ କାର୍ବନର ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଏସ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଧିକ ଆସିବ। ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଏସ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନେଗେଟିଭିଟିର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଟା କ'ଣ ହେବ, ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେବ। ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଏସ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବଢ଼ିଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନେଗେଟିଭିଟିର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ବଢ଼ିବ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନେଗେଟିଭିଟି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ବଢ଼ିଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ କରିଦେବ ବଣ୍ଡକୁ, ଯେତେବେଳେ ବଣ୍ଡ ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ କରିଦେବ, ବଣ୍ଡ ଲେନ୍ଥ ଡିକ୍ରିଜ୍ ହେଇଗଲା। ଭାଇ ମୁଁ ସିମ୍ପଲ ଆଗରୁ ବହୁତ ଥର ବି କହିଛି, ବଣ୍ଡ ଲେନ୍ଥ ଯେତେ ବଡ଼ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ସହଜ, ବଣ୍ଡ ଲେନ୍ଥ ଯେତେ ଛୋଟ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା କଷ୍ଟ, ଏଇଠି ଟିକେ ବଣ୍ଡ ଲେନ୍ଥ, ଆକୁ ଭାଙ୍ଗିବା କଷ୍ଟ, ଆକୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିକି ଲମ୍ବା କରିଦେବି ଆକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ହେଇଯିବ କ'ଣ ସହଜ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଟିକେ ବାଟା ଭାଙ୍ଗିବା ସହଜ, ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଭିଡ଼ିକି କ'ଣ ଛୋଟ 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 ଯେଉଁ କ'ଣ ଡିଏସିଲି କାଠି ଭଳିଆ ଯଦି ଲମ୍ବା କରିଦେବି, ଭିଡ଼ିଲି ଡିଏସିଲି ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ, ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିବାଟା ହେଉଛି କ'ଣ ସହଜ ହେଇଯିବ। ତ ଯେତେ ଛୋଟ ବଣ୍ଡ ଲେନ୍ଥ ଆସେ, ବଣ୍ଡ ଲେନ୍ଥ ଛୋଟ ହେଲେ କାର୍ବନ ହାଲୋଜେନ୍ ବଣ୍ଡ କ୍ଲିଭେଜ୍ ଯେଉଁ ଆସିବ, କାର୍ବନ ହାଲୋଜେନ୍ ବଣ୍ଡ କ୍ଲିଭେଜ୍ ଆସିବ, କ୍ଲିଭେଜ୍ ଇଜି ନଟ୍ ପସିବଲ୍ ବା ନଟ୍ ଇଜି। ତେଣୁ ଏଠି ଏ କାର୍ବନ ହାଲୋଜେନ୍ ବଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବା ଏତେ ଇଜି ହେବ ନାହିଁ। ଦେଖ ଏଠି ଆମେ ଯାହା ପଡ଼ିଲେ ସେଠି ବି ସେଇଆ ପଡ଼ୁଛୁ, ଏଠି ରିଜୋନାନ୍ସ କହୁଥିଲେ କି ଭାଇ ଡବଲ ବଣ୍ଡ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପଳାଇ ଆସିବ, ଡବଲ ବଣ୍ଡ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆସିଲେ ବଣ୍ଡ ଡିସୋସିଏସନ୍ ଏନର୍ଜି ବଢ଼ିଯିବ, ବଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବନି। ଏଠି ବି ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷ କହୁଛେ, ଡିଫରେନ୍ସ ଡିଫରେନ୍ସ ଇଏନ୍ସି ଡିଫରେନ୍ସ ଡିଫରେନ୍ସ ଇନ୍ ହାଇବ୍ରିଡାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ କାର୍ବନ ଆଟମ୍, କାର୍ବନ ଆଟମ୍ର ହାଇବ୍ରିଡାଇଜେସନ୍ ଯେହେତୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଗୋଟେ ଏସ୍ପି ଟୁ ଗୋଟେ ଏସ୍ପି ଥ୍ରୀ ହେଇଗଲା, ଏସ୍ପି ଟୁ କାର୍ବନର ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଏସ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଧିକା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନେଗେଟିଭିଟି ଅଧିକା, ବଣ୍ଡ ଲେନ୍ଥ କମିଯିବ, ବଣ୍ଡ ଲେନ୍ଥ କମିଲେ ବି ବଣ୍ଡ ଇଜିଲି ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଏ କାର୍ବନ ହାଲୋଜେନ୍ ବଣ୍ଡ ହିଁ ନ ଭାଙ୍ଗିବ, ଆଉ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଫିଲିକ୍ ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ କୁଆଡ଼େ ହେବ, ଏଥିରେ ବଣ୍ଡ ସିନା ଭାଙ୍ଗିଲେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଫିଲିକ୍ ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଆମେ କରିବା, ଯଦି ବଣ୍ଡ ହିଁ ନ ଭାଙ୍ଗିବ ତାହେଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଫିଲିକ୍ ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଆଉ କ'ଣ କରିହେବ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ବୁଝିପାରୁ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ ରିଜିନ୍ କି ଭାଇ ଏସ୍ପି ଟୁ ହାଇବ୍ରିଡ୍ କାର୍ବନ ସହିତ ଯେହେତୁ ହାଲୋରିନ୍ ଲାଗିଛି ହାଲୋଜେନ୍, ତେଣୁ ସେଥିରେ ବି ବଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବା କଷ୍ଟ। ତମେ କହ ଆଉ କ'ଣ ରିଜିନ୍ ଥାର୍ଡ଼ରେ, ଦୁଇଟା ରିଜିନ୍ ଗଲା। ତୃତୀୟ ରିଜିନ୍ ହେଉଛି କ'ଣ
ना जदि जदि भी तुम बंड टा भांगी देलो जदि भी तुम कौन कल ना बंड भांगी देलो हालो एरीन तुम नहीं हालो एरीन रु हालोजेन टा को हटे देलो अति हाई टेम्परेचर प्रेसर देले भी हो जाए बुझे ना विगरस कंडीशन प्रोवाइड कल प्रोवाइड करी एठी जो हालोजेन थेला ताको हटे देलो हालोजेन पळेला भाई जेतले हालोजेन पळेबो पळेला पर एठी कोना माने पॉजिटिव चार्ज पळेसो ता माने ओटे इंटरमीडिएट कार्बोकेटन मला मन बगा एसएन1 मेकानिजम रे हम एआई करथले एसएन1 मेकानिजम रे कोन होतला ना आगो तमे हालोजेन हटे दउथलो ओटे इंटरमीडिएट कार्बोकेटन फॉर्मेशन होतला कोन बनथला इंटरमीडिएट कार्बोकेटन फॉर्मेशन होतला से जो इंटरमीडिएट कार्बोकेटन फॉर्मेशन होतला से इंटरमीडिएट कार्बोकेटन ऊपर हम अटैक करथले न्यूक्लियोफाइल तो एठी भी हम शेयर करले एटी कहले ना हालोजन हटेले इंटरमीडिएट कार्बोकेटन बनेला किंतु इंटरमीडिएट कार्बोकेटन स्टेबल हवा दरकार एसएन1 मेकानिजम जो रिएक्टिविटी थिला माने पका रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसएन1 मेकानिजम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट तो भाई ये जो आसेला कार्बोकेटन एटा को कहते फिनाइल कार्बोकेटन ये हाईली अनस्टेबल ये जो फिनाइल कार्बोकेटन बने ये हाईली अनस्टेबल असे ये फिनाइल कार्बोकेटन स्टेबल असे यदि ये अनस्टेबल हेगला तले भाई एसएन1 मेकानिजम तो होबार चांस है नहीं तो एसएन1 मेकानिजम होबार जो ऑप्शन थले से रूल्ड आउट हेजो बुझिपना बुझिपाल सिंपल जिनस हो कौन तुम कह सर आम जबरदस्ती हालोजेन काटे दल हालोजेन बंड भांगियाटा कष्ट कि भांगी तो हम हाँ भांगी भी हम कि तुम भांगी दब कार्बोकेटन जो बनब फिनाइल कार्बोकेटन ये फिनाइल कार्बोकेटन टाइम स्टेबुल आसे ना जब स्टेबुल न आसो तो एसएन1 मेकानिजम प्रडक्ट बनवाटा असंभव हो गाला तो एसएन1 मेकानिजम तो हबार ना तुम कह सर ठीक अच्छे छाड़ आम कौन कर जदि न भांगी हो जाए एसएन टू कर एसएन टू रे कौन करुले ना आमर तो हालोजेन जहाज लगेगा आम डायरेक्ट हालोजेन हटाऊ के सैमलटेनियसली न्यूक्लियोफाइल को अटाक करुले सैमलटेनियसली कौन करुले न्यूक्लियोफाइल को अटाक करुले तेनालीर कार्बोकेटन बनुला एसएन टू कौन बनुला आमर ना मन पका गोटे ट्रांजिशन स्टेट बनुला गोटे हाईली अनस्टेबल ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन होता कौन बनुला गोटे हाईली अनस्टेबल ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन होता तो ये जितेबाला न्यूक्लियोफाइल जीव एसएन टू द्वारा आम कर चाहूँ तथा पसिबल हेनी कहीं कहल ना ये जो न्यूक्लियोफाइल अच्छी ये न्यूक्लियोफाइल टा नेगेटिवली चार्ज आउ ये बेंजीन रिंग भितर पाई इलेक्ट्रॉन प्रबल ये जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड गुड़ाक बेंजीन रिंग रमने ये न्यूक्लियोफाइल को रिपल्सन करेंगे रिपल्सन करेंगे न्यूक्लियोफाइल को तो नेक्स्ट रिजन आसपुर नेक्स्ट कारण है कौन थर्ड आम पॉइंट आसला इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कार्बोकेटन ये थर्ड रीजन टा जोटा बुझेदे इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कार्बोकेटन फोर्थ रीजन आम रिपल्सन बाय पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ बेंजीन रिंग टुवर्ड्स इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल तो ये हला हमरो लास्ट पॉइंट कि भाई न्यूक्लियोफाइल जितेबाला जिबे ये बेंजीन रिंग रे जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड वडा को अछंदी ये ताको रिपल्सन कर बेंजीन रिंग रे जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड गुड़ा को अच्छा ये कौन करेंगे रिपल्सन करदे तो रिपल्सन कला मात्र ओब्वियसली कौन हम ना से डायरेक्ट अटैक कर तो ये अटैक कला बेलू इलेक्ट्रोफाइल है अट्राक्शन कर था ये न्यूक्लियोफाइल ये नेगेटिव ये पाई इलेक्ट्रॉन 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 भितर रिपल्सन हम जो सीना अट्राक्शन कले ये जाए अटैक कर रिपल्सन कर न्यूक्लियोफाइल देखो भाई मतलब रिपल्सन कर कहीं जी सी अटैक करेंगे तो ताद्वारा भी रिएक्टिविटी कौन हो जाए डिक्रीज हो जाए बुझेगा तेणु यदि क्वेश्चन आस वाई हालोरिन्स आर वेरी लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देयर आर फोर रीजंस फर्स्ट आस रेजोनेंस सेकंड रीजन आम डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन आटम थर्ड रीजन इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कार्बोकेटन फोर्थ रीजन रिपल्सन बाय पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ बेंजीन रिंग टुवर्ड्स इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल ये सब चार पॉइंट मुझे पूरा डिटेल्स बुझा चेस्टा कली नोट्स तुम चेक कर टेलीग्राम चैनल को जीव तले डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल लिंक अच्छी ना बरी डेयर सार बरी सार बोली टेलीग्राम सर्च मार से तुमक हालो हाल किन हालो नोट्स मिल जाए से डिटेल्स ये पांच मार्क जमी लिख से एक्सप्लेन कर लिखाई ये जिनस जहाँ तुम बुझे केवल डिटेल्स एक्सप्लेन करी लिखी बुझेगा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन फाइव मार्क क्वेश्चन आसे आराम तुम चार्टा पॉइंट लिख डिटेल्स चित्र फित्र बन रेजोनेंस रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनकर फाइव मार्क तुमको आराम मिले मतलब तुम बुझीप डिटेल्स ना ये कौन डाउट रहा
आगे बढ़िया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आसो आमर कौन ना आम कह न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो आसे हालो एरिन्स मैंने जनरली वेरी वेरी लेस रिएक्टिव मैंने आसते टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तेरे हालो एरिन्स मानकर टेंडेंसी नए इच्छा न था कि आम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखाऊ से जेनराली कौन देखा ना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन देखा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये जदि आम चाहूचे कि नाई नाई गोटे आरोमेटिक कंपाउंड बा हालोरीन ने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो ताले केमती करिया भाई रिएक्टिविटी लेस ता मान नजर हबनी हेई परबो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रति हालोरीन्स मानकर रिएक्टिविटी वेरी लेस आसे ता माने से माने इच्छा करनि किंतु आमे चाहिले जदि विगरस कंडीशन प्रोवाइड करिवा ताहाले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी हेई परबो हालोरीन केस विगरस कंडीशन मतलब कोन ना हाई टेंपरेचर दबा नहले हाई प्रेशर है ना बुझे ना बुझे डांस डांस डांस। तो बर्तमान नेक्स्ट आम आसो न्यूक्लियोफिलिक आरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक आरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन आरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये आसे हम नेक्स्ट टर्म न्यूक्लियोफिलिक आरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते SNAR न्यूक्लियोफिलिक आरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन एस एन वेरी वेरी इंपोर्टेंट जिनस मन रखा पड़े एग्जाम आसे नीट फिट रे बहुत थोड़ा ये जिनस वेरी वेरी इंपोर्टेंट जो मैंने एंट्रांस देखुच जिनस बहुत इंपोर्टेंट बुझेगा देख। तो आम चाहूचे जो भाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो आम चाहूचे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो कौरे ना आरोमेटिक कंपाउंड हालो एरिन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आम चाहूचे करवाई तो हालो एरिन जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आम करने चाहूचे नॉर्मल कंडीशन रे तो हालो एरिन कदापि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखेबो नहीं नॉर्मल कंडीशन रे कदापि गोटे हालो एरिन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करिवो नहीं। तो आम पुणी कौन करिया आम कौन करिया तो ताको विगरस कंडीशन प्रोवाइड करिया विगरस कंडीशन मतलब हूँ कौन ना आम हाई टेम्परेचर दबा ता सहित तो हाई प्रेशर प्रोवाइड करिया देखो जमीती कि आम पाखे गोटे कंपाउंड आसे क्लोरोबेंजीन क्लोरोबेंजीन तो ये जो क्लोरोबेंजीन आसला क्लोरोबेंजीन को आम यदि सोडियम हाइड्रोक्साइड दबा तो कौन हम ये OH माइनस टाइम न्यूक्लियोफाइल OH माइनस टाइगला कौन न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल जीव क्लोरीन को हटेब तापर लगे बनब फिनल कौन बनब फिनल बनब जे भाई तुम्हें तो सर तुम्हें पचार कि सर तो हो ना ना न्यूक्लियोफाइल तो जाऊ नाला पुणी करदे कमी भाई जनरल कंडीशन रे ये हबन या को करिया पे तुमको दे पड़ो 623 केल्विन टेम्परेचर 300 एटमोस्फेरिक प्रेशर 623 केल्विन टेम्परेचर दे पड़ो ता सहित तुमको प्रोवाइड करा पड़ो 300 एटमोस्फेरिक प्रेशर तो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर देले न्यूक्लियोफिलिक आरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हबो अदरवाइज हबो तुम्हें कह कि कथा एटा जबरदस्ती तुम एटा करो पुणी एत टेम्परेचर एत प्रेसर देवा पड़च आउ तो किसी गोटे बैपास् किसी गोटे जो थे इजिली हो पार न्यूक्लियोफिलिक आरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन को भी आम आउटे इजिली कराइद पार जे कौन कराया पड़ो ना एथेर गोटे भिलियान आम पठा पड़ो आम कौन पठा पड़ो गोटे चुपसेदान पठा पड़ो आम चाहिए हो पार्वनी कितु सी जो से पहुँच सेठी जाए खेल कर दब कौन करा जाए ना जदि ये रिएक्शन को तुम चाहे इजी हो जाऊ तो या कौन करती ना गोटे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप आधे लगेदेवे गोटे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ए लगेदेवे जमीक गोटे NO2 आम लगेदेवे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप NO2 हूँ गोटे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग बुझे भी कौन केमती कला सी खाली जाणजे ये जो जेकोसी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगे हम तो आम ये गोटे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगे NO2 नाइट्रो ग्रुप लगे NO2 कौन करना NO2 लगे मैंने सांगे सांगे मैजिक हो यही बेंजीन
यही क्लोरोबेंजीन जी नखरा देखा कि ना 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 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मुझे करेदेवि से आईला मैंने तो रिपल्सन करी से कौन भावुच बर्तन से क्लोरोबेंजीन नखरा भी कमीजु आगुरी जी नखरा भी देखा जबरदस्ती पड़ते बर्तमान टी इजिली कर 623 केल्विन देवा पड़ता है बर्तमान 443 केल्विन रिएक्शन हो जाए तमें टी रिएक्शन रेटा बढ़ला टी इजी रिएक्शन आम कर क्लोरीन हटो ओएच तुम्हें कह आए केमती कौन आउटे इजी हो आउटे इजी आदि जिते तुम एनओ टू ग्रुप लगे से तुमको रिएक्शन टाइम इजी हो ही लगे तुम्हें कह एनओ टू गोटे पारार लगे जाओ गोटे अर्थर लगे दबा ये से ही एनओएच दि जाए किंतु दि जाए के ना मात्र 368 केल्विन रिएक्शन हो क्लोरीन हटो ता बदल ओएच लगे तुम कह बा तो 623 रु आसी 368 रे पहुंच गेला तुमको सर आउ टे कौन हो पार आहरी भी हो बाबा देखे क्लोरीन अच्छी आम एनओ टू कौन कले ना जिते अर्थो पोजिशन थिला जिते पारा पोजिशन थिला सब जगह कौन कले ना आम लगेदे एनओ टू ग्रुप बा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप तो ये आमको एनएच भी देवा पड़ोनि ये आमको कौन करा पड़ोनि ना हिट भी करा पड़ोनि जस्ट टे वार्म कराए पा टे छिंच वार्म कर दिखती वार्म करदे मत नख उषुम करदे भी रिएक्शन हो जो तुमको हाई टेम्परेचर हाई प्रेसर देवा पड़ता देख बर्तमान से किसी पड़ोनि टी पा छिंचदे रिएक्शन हो जा तुम कह य मैजिक एभलिया जिनस दुनिया में जब पसिबल है केमी है ये जिनस तो कहीं आगुरी हो ना जो क्लोरोबेंजीन नखरा में देखा ना ना मुझे रिएक्शन करी एमती क्लोरोबेंजीन रण होगा जे बर्तमान से रिएक्शन दुमदुम कर भाई टिके पानी छिंची दे कि नख उषुम पा छिंची दे रिएक्शन हो जाए आगुरी यही क्लोरोबेंजीन थी जे कहला ना मुझे रिएक्शन ही देखेबिन भाई यही मैंने ही थे जी रिएक्शन देखते चार चार रिजन भी बताते देखो आम पाखे यही चार चार रिजन अवेलेबल अच्छी जो रिजन पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करूँ ये तो करूँ ये तो मन मन किसी टेम्परेचर दवा पड़ेनि जस्ट टे नख उषुम पा बुझे ना बुझे तो ये एमती कौनटा जिनस एमती कौनटा जिनस जे आराम रिएक्शन हो गए मैजिक कर एनोट ग्रुप ये मैजिक करा एनोट ग्रुप ये मैजिक कौन करेब ना ये बेंजीन रिंग रु इलेक्ट्रॉन विथड्र करदेव बेंजीन रिंग रु इलेक्ट्रॉन कौन कर विथड्र करदेव तुम कह बेंजीन रिंग रु जब इलेक्ट्रॉन विथड्र करदेला तेल बेनिफिट कौन है भाई बेंजीन रिंग रे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कमीगला बेंजीन रिंग रे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थिला बेल तो नाटक होतला से कहला मो पाखे प्रबल इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफाइल आइला माने मु फेल देबी जा बे मु नेगेटिव तू नेगेटिव हे पिरो बेंजीन रिंग रु इलेक्ट्रॉन ही पड़ेला बेंजीन रिंग रु इलेक्ट्रॉन ही पड़ेला भाई जो सी एत तार घमंडी देखा से ही जिनसा ही नाइट्रो कौन कला खाली करदेला तो बेंजीन रिंग पाखे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कमी न्यूक्लियोफाइल जीव पचार किरा बेंजीन रिपल्सन करू ना भाई से बयस थिला अलग बर्तमान तो एनओ टू ग्रुप आसिक मो इलेक्ट्रॉन सब नहीं चलीगले मो पाखे कौन टा अच्छे कि मोर से बल बयस आ तो बेंजीन रिंग ये रिपल्सन फिपल्सन किसी करूक्लियोफाइल तार जीव आराम रिएक्शन कर न्यूक्लियोफाइल तार जीव आराम रिएक्शन कर कौन बुझी ना बुझे अरे बुझ पार छोटी मुँह तो मुझे कहली मुझे कहली बेंजीन रिंग जो जीव सी आराम जीव आराम अटाक कर सरी बेंजीन रिंग पाखक न्यूक्लियोफाइल जीव न्यूक्लियोफाइल जीव आराम तुम कौन कर अटाक कर कहीं एनओ टू ग्रुप कौन कला ना बेंजीन रिंग रु इलेक्ट्रॉन भिड़ी नहीं गला आगुरी एनओ टू नाला एनओ टू नाला जेत बड़े या पाखे प्रबल इलेक्ट्रॉन थे न्यूक्लियोफाइल आल तो रिपल्सन कर पढ़ा जाए बर्तमान एनओ टू कहला कि रह मु इलेक्ट्रॉन नहीं जाऊँ एनओ टू सीना आसते लगेगा कितना बेंजीन रिंग को धोखा देदेव ना ताटो इलेक्ट्रॉन निज आड़े भिड़ी आन बेंजीन रिंग को सब भल है मो पाखे इलेक्ट्रॉन थे ये तो नहींगले सब बेंजीन रिंग पाखे आ किसी ना तेणु ओएच तो क्लोरीन को हटेबापी ओएच आसो बेंजीन रिंग को पचार कि रिपल्सन कर भाई मोर आ बल ना जहाँ थे सब एनओ टू भिड़ी नहींगल मेकानिजम कले बुझिपर है मेकानिजमटा देखा बुझिपर मेकानिजम दरकार पड़े कि देख एंट्रान्स क्वेश्चन अलरेडी आस अच्छा ये आउ गोटे जिनस मार्क कर ये आम एनओ टू ग्रुप या तो आम पारार लगे ना अर्थर लगे ना अर्थ पारार लगे तो ये बढ़िया गोटे क्वेश्चन आसे आउ एंट्रान्स भी आसे नीट्रे पचार परीक्षा
कि भाई एनओ2 ग्रुप जत लगेब तुम क्लोरो बेंजीन में जेकोनसी ओटा हैलोजन रे तुम ऑर्थो पारा रे के लगोच मेटा लगेले कोनटा असुविधा भाई केवल ऑर्थो पारा रे ही तारो इफेक्ट से माने शो करि परिवे एट मेटा पोजीशन एनओ2 ग्रुप कैन नॉट शो इट्स इफेक्ट तो द एनओ2 ग्रुप बाय इलेक्ट्रॉन एनी इलेक्ट्रॉन होल्डिंग ग्रुप कैन शो इट्स इफेक्ट ओनली एट ऑर्थो एंड पारा पोजीशन केवल कोठी से जर इफेक्ट शो करिवे या तो ऑर्थो रे इफेक्ट शो करिवे नहले पारा पोजीशन इफेक्ट शो करिवे अदरवाइज कोठी भी इफेक्ट शो करि परिवे नहीं आउ कोनोसी जगह रे इफेक्ट शो करि परिवे नहीं बुझेला नमस्कार लेन कौन बोझो कहीं की क्वेश्चन इतने माइंड रह सिला कि सर कहीं की ऑर्थो परर लगे ले इफेक्ट शो करिवो मेटर लगे ले कहीं की इफेक्ट शो करिवो नहीं नोट तार रीजन टाइम जानिया मैकेनिज्म देखो देखो ध्यान से धरनियो मु गोटे क्लोरो बेंजीन नहीं जाऊँगी पारा लगे दूसरी एनओ तुम्हें चाहिए अर्थर भी नहीं पार पारा लगे दूसरे एनओ टू जो आसे नाइट्रोजेन आउटर पांचटा इलेक्ट्रोन थाए दुई तीन आज जोड़े इलेक्ट्रोन से कौन करे ना गोटे अक्सीजेन को कोऑर्डिनेट बॉन्ड आकर इलेक्ट्रोन देदेले एमती देखा कि भाई या पर आसा नेगेटिव चार्ज या पर आसा पॉजिटिव चार्ज तो एनओट्र स्ट्रक्चर अच्छे यहाँ नाइट्रोजन गोटे जो बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड आकर गोटे लोन पेयर ऑक्सीजन को दे दिए यापर थी छटा ये पाइला अट्ठाइस हो कितना ये पाइला इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ये देला माने यहाँ पर पॉजिटिव तो एनोट्र स्ट्रक्चर आसा ये टाइप गोटे छोट कर एनोट्र स्ट्रक्चर आसा ये टाइप ये माइनस है तुम्हें कह न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो करुले खाली क्लोरीन थे कष्ट कितु जो ओएच ए मैं एनोट लगिगला सेतबेले न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन लगेटा हवाटा सहज केमिति ना न्यूक्लियोफाइल पठिया ओएच माइनस आसो ओएच माइनस आसे अटाक करिवो कोठी किना जो क्लोरीन लगे अटाक कला कने माने कोन हो ये जो बॉन्ड गोटे अछि ये बॉन्डटा पोलराइज हे तो एटे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर माने देखो केमिति आस ये हला ओएच इतेला क्लोरीन इतेला माइनस डबल बॉन्ड इते अछि एनओ2 त हमर एठी ऑलरेडी लागिथला ये हला माइनस ये हला प्लस वर्तमान ए माइनस एपड़ भांगे डबल बंड एपड़ ब्रेक कर रेजोनेंस एंती बनेगा तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से बन चल ये हला ओएच इटे हला क्लोरीन इटा एटी पलै आसला ए नहीं डबल बंड ऑक्सीजन ये माइनस ये प्लस डबल बंड एटी आसला नेगेटिव चार्ज ए माइनस एपड़ भांगे डबल बंड एपड़ ब्रेक कर टाइप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनब या तुम अलरेडी जाच है जदि भी यार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर टिके बुझार कष्ट हो दरकार पड़े खाली मुझे बुझे दूसरी एग्जाम कहबन जो यार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तेनाली गोटे जिनस तुमको कहूँ तुम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिते निजे बनवा कर प्राक्ट कर तुम से क्लीयर हो ये ना माइनस तो ये टाइप रो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तुम बनो तो मार्क करो जितेबले ओएच माइनस आयन सी अटैक कला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनला पाई बॉन्ड भांगेला ऑर्थो पोजीशन नेगेटिव चार्ज आसला पूरा ध्यान से देखो पूरा ध्यान से बाबा पांच मिनट लगे पूरा बुझे देवी आराम से बुझू तापर आ टेंशन के पूरा ध्यान से पूरा मुआड़ी की नजर पड़े आसो ध्यान पूरा मुआड़ी दियो देखो देखो जितेबले न्यूक्लियोफाइल अटैक कला ये बॉन्ड पोलराइज हला तो ऑर्थो पोजीशन नेगेटिव आसला पुणी पारा पोजीशन नेगेटिव ऑर्थो पारे कौन हम ना रेजोनेंस जो नेगेटिव चार्ज डेवलप हो ऑर्थो आउ पारे कौन हम ना रेजोनेंस जो नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रेजोनेंस जो नेगेटिव चार्ज डेवलप हो ऑर्थो आउ पारे रेजोनेंस जो नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जितेबाला ऑर्थो पारे रेजोनेंस जो नेगेटिव चार्ज डेवलप हो तो से ही जगह एनओ2 तुम लगे थो मैंने कौ कौ जगह या तो अर्थोरे ना पारे ही तुमको बेनिफिट हम कहीं एनओ2 को मार्क कर ये नाइट्रोजन जो अच्छी ये नाइट्रोजन उपरे पॉजिटिव चार्ज अच्छी ये नाइट्रोजन उपरे कौन अच्छी ना पॉजिटिव चार्ज अच्छी ये पॉजिटिव चार्ज ये नेगेटिव चार्ज पाखे आस भिड़ीदेव निज आड़ से आम कौचे कि एनओ2 टा गोटे इलेक्ट्रोन विथड्रॉइंग ग्रुप कौन कौचे
कि भाई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप केमिति ना जेतेबले ये माइनस एठी अछि नाइट्रोजन प्लस नाइट्रोजन के मो पाखरे इलेक्ट्रॉन नै से नेगेटिव चार्ज को नै जोड को अट्रैक्शन करबे तमे यदि कहबो कि नै NO2 टा को अर्थ रे लगले से आसे माइनस को नै जोड पड़ दबो कोन तले मेटर लगयो मेटर त किछ चार्ज इन डेवलप हो यदि मेटर किछ चार्ज इन डेवलप हले त NO2 इलेक्ट्रॉन नै जोड को अट्रैक्शन करि परबे नै माने सेठी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट शो हबो नै त सेति पई केवल NO2 को जे अर्थ पारा पोजीशन लगे से कौन करे ता इफेक्ट शो करे तो जेते अर्थ जेते पारा सब जगह तुम यदि NO2 लगे दबो से इफेक्ट आहुरी बहुत बड़ा देखाय बहुत बढ़िया मार्कर देखेबो सेतेबेले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पूरा इजीली हिजबो जो केस रे हम देखले कि केवल वाटर आउट के वार्म कर देले भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल हो जाउछ कारण जेते इलेक्ट्रॉन थिला ताको NO2 ग्रुप कोन कहला ना ऑर्थो पारा पोजीशन लागि सब जगह निज आड़ को अट्रैक्शन कर देले बा विथड्रॉ करके नहीं गले तो से केस रे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कोन हला बहुत इजी हे गला तो जनरली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल हुए नहीं कोठी पॉसिबल हुए नहीं ना एरोमेटिक कंपाउंड बा हैलोरिन केस रे पॉसिबल हुए नहीं बट वी कैन होजी कोन डू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन विगरस कंडीशन आ ताको यदि तमे ठीक इजी करया चाहिबो तो तमे कोन करि परियो ना इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप रे हेल्प मा पड़िवो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जे ऑर्थो पारा पोजीशन लगे दलो ता न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तमे नॉर्मल कंडीशन रे भी करे दी पारिवो दैट इज आल्सो पॉसिबल बुझेला ना बुझेलन तो ये गोटे फाइव मार्क क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन तुम बुझेदी ता सहित एक बुझेली ये पूरा ये जो मैंने क्लास थी ये पूरा कन्सेप्चुअल क्लास था वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्लास या पूरा भलसे देख जो मैंने टिके भी नजर अंदाज एपट सपट कौट कर पूरा प्रथम आउ थे देख ये पूरा चैप्टर मैंने ये जो पूरा क्लास जो था ये गोटे घंटार ये पूरा हूँ कौन कन्सेप्चुअल क्लास था वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्लास एथरू एंट्रान्स क्वेश्चन जमीते आसो है कि आ ये कन्सेप्टचुआल जिनस ये कनसेप्ट तुम माइंड में चमकवा दरकार कनसेप्ट जब चमकी गला तुम आराम से जिन आगे घोषिले हेनी ये जिनसा तुम जो घोष सब डर लगे ये कनसेप्ट तुम माइंड में चमकवा दरकार चमकिला ना चमकिला चमकिला।